सीधे चलते हैं मैद अली साहब के पास। मैद अली साहब, आज आपने दो टीचरों को मारा उनका आईडी कार्ड देखकर। ये देखकर हिंदू है मुसलमान, पढ़ाते तो कश्मीरी बच्चों को ही थे ना, ऐसे टीचर्स को मारकर क्या हासिल हो जाएगा आतंकियों को और उसके आका पाकिस्तान को? देखिए, दहशत गर्दी कहीं भी हो मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसमें कोई बराबरी है। हमारे यहाँ 15 अगस्त से जब से ये हुआ है अफगानिस्तान का मामला, तकरीबन 153 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं या आप उनको मारे गए जो भी कहें, और जो आपके यहाँ हुआ है आप कह रहे हैं 5-7 लोग 2-3 दिनों में गए हैं, तो ये बहुत, मैं तो इसको बिल्कुल हमेशा से ही इसको कंडेम करता हूँ बहुत बुरी तरीके से जिसने भी किया है, और ना ही मैं इसको कोई तरीका समझता हूँ कि ये कोई तरीका है कि आम एक इंसान को और ख़ास तौर पे ये तो पढ़ाने वाले लोग थे उनको, मतलब आम कोई लड़ाई नहीं होती। दहशतगर्दी में भी कोई थोड़े कुछ, मतलब जिनको हम कहते हैं कि चले आपका कोई टेररिस्ट आउटफिट आपके लिहाज से है या कुछ है, वो है फ्रीडम फाइटर है। फ्रीडम फाइटर्स जो है वो आम लोगों को नहीं मारते, वो अगर उन्हें लड़ना होता है तो वो सुरक्षा जो बल होते हैं उनसे लड़ते हैं, लड़ना अगर बनता है तो उन्हीं से लड़े या प्रोटेस्ट करें जो कर सकते हैं। पर ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, 90s में उसने कश्मीरी पंडितों को मस्जिद से अनाउंसमेंट करवा करवा के मार डाला, इतना जहर घोला, और पाकिस्तान उसके पीछे था, नारे लगते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के वहां पर। देखिए नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना तो चले लग जाते हैं, वहाँ होंगे कोई लोग ऐसे जो पाकिस्तान के हक में होंगे और जो चाहते होंगे कि पाकिस्तान से उनका इलहाक हो जाए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अगर ऑर्गेनाइज्ड इस वक्त ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइज्ड किस्म का कोई अटैक इंडिया पे करने की पोजीशन में है या उसको करना चाहिए या प्लान करना चाहिए, और मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि ये जिस तरीके से जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल ना समझिएगा मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मगर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि कोई लोग जो डेस्परेट थे, जो 370 की धारा की वजह से बली हैं, कहीं आपस में थोड़ा अध्ययन तो चलाई कोई ना कोई लेता है, तो वो कोई ये काम कर रहे हो। ये ऑर्गेनाइज्ड अटैक मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं है टेररिस्टों का अटैक करने का। बहरहाल जो भी है मैं इसको कंडेम करता हूँ और मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीज़ है आम शहरी के ऊपर हाथ उठाना, या इवन अगर लड़ना है तो फिर सीधा होकर लड़ना चाहिए। इस तरीके से लड़ाई भी मेरी नज़र में कोई नहीं। हमारे भी जाए हैं, हमारे यहाँ इल्ज़ाम लगता है भारत के ऊपर कि जी हमारे यहाँ भारत जो है वो करवा रहा है TTPA के थ्रू करवा रहा है। मैं ये समझता हूँ जहाँ भी टेररिज्म हो रहा है मैं उसको स्ट्रिक्टली बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ।